हैं और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है, अविश्वास प्रस्ताव पर देर रात तक हंगामा हुआ। हंगामा के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। अलग अलग मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आदिवासी अत्याचार, कारम डैम, राशन घोटाले के मुद्दे उठते हुए सदन में नजर आए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर इस दौरान देखने को मिला, जारी रहा। राम सीता पर मंत्री मोहन यादव के बयान का विरोध भी हुआ, जय श्री राम के नारे भी लगे। कांग्रेस मोहन यादव से माफी मांगने की मांग भी कांग्रेस द्वारा की गई। कांग्रेस बोली मोहन यादव माफी मांगे। विपक्ष ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया। तो कल रात 1 बजे तक सदन की कार्यवाही चली, अविश्वास प्रस्ताव पर देर रात तक चर्चा हुई और हंगामा भी हुआ, और हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो अलग अलग मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल तीसरा दिन था, आज चौथा दिन है और तीसरे दिन कार्यवाही देर रात 1 बजे तक चली। तो अविश्वास प्रस्ताव पर देर रात तक हंगामा हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती रही। इस दौरान कई मुद्दे उठे, कर्ज माफी का मुद्दा हो या फिर इस्तीफे का मुद्दा हो, और हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो आदिवासी अत्याचार, कारम डैम, राशन घोटाले के मुद्दे भी गूंजते हुए सदन में नजर आए, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इधर कांग्रेस ने कहा कि मोहन यादव माफी मांगे। राम सीता पर मंत्री मोहन यादव के बयान का विरोध भी हुआ। विपक्ष ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया। विधानसभा का सत्र लंबे अरसे के बाद लंबा चला है और गोपाल भार्गव एक ऐसे मंत्री हैं जो लगातार सबसे सीनियर मंत्री विधायक के रूप में जाने जाते हैं। गोपाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह आज लंबी कार्रवाई देखने को मिली, क्या ये माना जाए कि यही सदन की एक परंपरा रहा करती थी जो लंबे अरसे के बाद देखने को मिली? नहीं, लंबे अरसे बाद देखने मिली। पहले मिंटो हॉल में जब विधानसभा लगती थी उस समय चली, बजट राजन शुक्ला जब स्पीकर थे उस समय चली, रात को देर रात तक। आज की विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे, क्या अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया, सरकार अपनी बात रखने में कामयाब रही? नहीं, सरकारी पक्ष ने, अपोजिशन वालों ने अब कहने को सही बात बताएं कि ये है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों है, हमें आपकी कौन सी चीज़ पर विश्वास है, तो कोई बोल नहीं रहा अपोजिशन में। वो डिमांड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही हो, कुछ नहीं है। तो कुछ आ ही नहीं रहा उनके लिए कुछ भी, और सारे सदस्यों ने नाम लिखवा दिए हैं तो, लेकिन बहस का जो है उसका अर्थ नहीं निकल रहा कुछ भी। और अविश्वास प्रस्ताव का हशर जो होना सभी लोग जानते हैं क्या हुआ। 2023 को लेकर भी बार बार सदन में बात आ रही थी कि अगली बार आप नहीं रह पाएंगे, कुर्सियां बदल जाएगी, क्या आप ये मान रहे हैं कि 23 के चुनाव से पहले ये जो लंबी कार्रवाई सदन की दिखाई दी है ये भी उसी का असर? नहीं, तो पार्टी तय करी हमारी, भारतीय जनता पार्टी तो एक अनुशासित पार्टी है, सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ परंपराएं हैं, हमारे यहाँ जो हाई कमान है, जो हमारा उच्च स्तर पे जो सारे लोग निर्णय करने वाले हैं उन्हीं के अनुसार हमारी पार्टी चलती है। संगठन सर्वोपरि है और हमारा नेतृत्व सर्वोपरि है, उसी के हिसाब से सारी बातें तय होती हैं। गोविंद भाई, कैसा देख रहा है एक लंबी कार्रवाई विधानसभा सत्र की आज देखने को मिली है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया है और हम लोगों की भी इच्छा थी कि विपक्ष को पूरा सुने। पक्ष विपक्ष के बहुत सारे विधायक मंत्री भी बोलने के इच्छुक थे। पहले ये तय था कि शाम तक सत्र चलाएंगे और 5 बजे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, आपको सुनना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने और सभी दल ने यह स्वीकार किया कि नहीं, ठीक है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, और बड़े ही अनुशासन के साथ सत्र चल रहा है। सभी लोग अपनी बात कह रहे हैं, पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है, और मुख्यमंत्री जी अपनी बात कल रखेंगे। आपने विधायक काल में इतना लंबा सत्र आपने कभी रहा या पहला सत्र? नहीं, सत्र तो कई लंबे रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का सत्र पहली बार है जो रात के 12 बजे तक चल रहा है। लेकिन वर्तमान विधानसभा जितनी लंबी चली देर रात तक, उसमें ये जरूर समझ आया कि 2023 का चुनाव कैसा होगा और उसकी एक झलक
सदन के भीतर भी दिखी, अब बाहर की तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र रात के 12 बजे तक चल रहा। मेरे साथ प्रदीप सिंह तोमर जी है। आज हमने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आई, हालांकि ये पहली बार है लंबे अरसे के बाद जब दोनों ही पक्ष और विपक्ष जिस तरह की भूमिकाएं नजर आ रही, क्या ये माना जाए एक नया इतिहास रचने की तैयारी? देखिए, कांग्रेस के पास जो अविश्वास प्रस्ताव लाई उस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस खुद फंस गई। उनके पास कोई जनहित के मुद्दे नहीं थे, कोई आरोप तथ्यात्मक नहीं थे, सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी करना के अलावा उनके पास तथ्यात्मक बात नहीं। इसीलिए क्या पर्याप्त समय दिया विधानसभा में कि ठीक है आप भी अपनी बात कर ली, हम भी अपनी बात कर ली? नहीं नहीं, हमने हम हमेशा जनहित के मुद्दों पे, हमारी सरकार का बड़ा साफ सोच है कि जनहित ऐसी मुद्दों पे कोई चर्चा होगी, कोई बात निकल के आएगी, उस पर हम सुधार करेंगे। हमारा उद्देश्य, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, पहला उद्देश्य हमारा राष्ट्र उत्थान है, विकास है, उसके बाद पार्टी। पीसी शर्मा भी मेरे साथ। पीसी भाई, बड़ी बड़ी लंबी चर्चा हुई है आज सदन में, लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिला है कि जब पक्ष विपक्ष दोनों हैं और रात की 12 बजे के बाद तक आप लोग चर्चा करते रहे, क्या ये माना जाए कि विपक्ष की तरफ से भी मैसेज है कि हम जनता के लिए खड़े? निश्चित तौर पर इस पूरी अविश्वास में वो बिंदु उठाए गए जो जनता के पक्ष के हैं, न पक्ष के पक्ष के हैं न विपक्ष के, बल्कि जनता के पक्ष के हैं। और दूसरा ये है कि विधानसभा अध्यक्ष का इसमें मैं आभार मानना चाहूँगा कि उन्होंने एक एक विधायक, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनको पूरा मौका दिया सुनने का। इसलिए आज ये रात के 12 बजे हैं और मैं समझता हूँ कि यही संसदीय कार्य में ये होना चाहिए कि विधायक अपनी बात तो कह पाए और इसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की समस्या उठाता है, जो अधिकतर यहाँ पे बात हुई। 2023 का मैसेज साफ है कि इसी तरह अब 2023 की तरफ जाने वाली। 2023 के लिए तो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड तैयार हो चुका है और इनने जो भी बात कही शासन की तरफ से सब खोखली बातें थी, और विपक्ष ने जो बातें कही वो जमीन पर बातें हैं वो कही। 2023 में निश्चित है कि ये सत्ता पक्ष बाहर होगा और कांग्रेस की कमलनाथ जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, 2023 में कौन होगा इस विधानसभा सत्र के भीतर, कांग्रेस की सरकार होगी या बीजेपी की? लेकिन पक्ष विपक्ष बदल भी सकते हैं। परिस्थितियां साफ है कि पहली बार लंबे अरसे के बाद विधानसभा की कार्रवाई देर रात तक चलती रही और हर व्यक्ति को मौका मिला, यानी विधानसभा अध्यक्ष भी यही चाहते थे। और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश की परंपरा रही है जिस तरह की विधानसभा की, वो लंबे अरसे के बाद देखने को मिली। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बस एडिट भोपाल।